गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स क्लासेज। जैसा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज हमारे द्वारा संचालित किया जा रहा है और पिछले के क्लासों में हम लोगों ने दो चीज सीख चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पिछले वीडियो में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाया था और मैंने क्या बताया था, रिवाइज कर लेंगे कि रिवैल्यूएशन क्या होता है। तो एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यू से संबंधित एडजस्टमेंट का अकाउंट है कि वेदर द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज और डिक्रीज, वेदर द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज इंक्रीज और डिक्रीज, किसी भी संपत्ति या दायित्व का में के मूल्यों में क्या चेंज आता है। चेंजेज का मतलब चाहे तो बढ़ेगा या घटेगा, तो उसको जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उसे रिवैल्यूएशन का बन उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। एंड व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, तो टू रिमूव द कंफ्यूजन्स एंड टू प्रोवाइड एश्योरेंस, है ना, कंफ्यूजन दूर करने के लिए अमंग बिटवीन द पार्टनर्स, साझेदारों के बीच कि किसी संपत्ति का एक्चुअल रेट क्या है, इसका पता लगाने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और कल हमने रिवैल्यूएशन का अब अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को सिखा दिया था और मैंने दो क्वेश्चन ड्रॉप किया था, छोड़ा था, बोला था कि उसके लिए हम लोग पहले अकाउंट सीख लेंगे तब हम लोग आगे सीखेंगे जर्नल एंट्री। एक्चुअली होता क्या है कि रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन दो तरह से रहते हैं, चाहे तो आपको रिवैल्यूएशन में इसका अकाउंट बनाइए और चाहे तो इसका जर्नल एंट्री बनाइए। कभी कभी जर्नल एंट्री और अकाउंट दोनों बनाने के लिए बोल देता है। जिन बच्चों का क्लास 11th अच्छी तरह प्रिपेयर क्लियर है जर्नल और लेजर, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता। अगर वो अकाउंट बना दिए तो जर्नल भी बना सकते हैं और अगर वो जर्नल बना दिए तो अकाउंट भी बना सकते हैं। दिक्कत यह होता है कि अगर जर्नल एंट्री आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा किसके बीच, ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो, है ना। मैंने आपको सिखाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट किसमें बंटता है, ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर के बीच बंटता है, इसमें न्यू पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं होता है। तो चलिए आज एक अकाउंट का क्वेश्चन कल मैंने बता दिया था, जर्नल एंट्री का आज बताएंगे। अच्छा देखिए, जर्नल एंट्री कैसे होता है, ये मान लीजिए रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना हुआ है, ये चार कॉलम हमने खींच दिया। अगर इधर टू बिल्डिंग लिखा हुआ है 200, तो आप खुद सोचिए कि इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो इसका जर्नल एंट्री होगा मेरे दोस्तों, ये रिवैल्यूएशन है, आपने 11th में पढ़ा, जिसका अकाउंट खुला हुआ हो उस अगर उसके डेबिट में पैसा है तो ये डेबिट, ये अकाउंट खुद होता है, यानी इसका जर्नल एंट्री होगा। ये पैसा कहाँ लिखा, जिधर अमाउंट लिखा हुआ वो डेबिट, ये पैसा कहाँ लिखा है, डेबिट में, यानी ये वाली अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और ये क्या है लिखा हुआ, ये टू बैंक है तो ये बैंक नहीं, ये जो है बैंक नहीं डेबिट है, ये रिवैल्यूएशन डेबिट है। टू बैंक लिखा हुआ यानी ये टू बैंक क्या है, क्रेडिट है। तो हम लोग इधर लिख देंगे टू बैंक, कितना 200। अगर जिन लोगों का जर्नल और लेजर क्लियर है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी कि अगर ये अकाउंट है तो इसका लेजर इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर इधर लिखा हुआ है बाय बिल्डिंग 400, बोलता है कि भाई इससे तुम जर्नल बनाकर दिखाओ, ये बाय बिल्डिंग लिखा हुआ है 400, कहता है इससे जर्नल बनाकर दिखाओ। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां देखिए पैसा क्रेडिट में लिखा हुआ है तो ये बिल्डिंग क्रेडिट नहीं है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है। तो रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट है तो डेबिट क्या है, बिल्डिंग। तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, कितना है 400। नारेशन कि रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्यों लिखाया होगा, कल ही मैंने सिखाया था कि डेबिट में लिखाता मतलब लॉस हुआ है और क्रेडिट में लिखाया मतलब फायदा हुआ, यानी एसेट का वैल्यू बढ़ा है। तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है तो लिखेंगे बिंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज। यहाँ पर रिवैल्यूएशन 200 क्यों लिखाया है, ये बैंक नहीं लिखाया गया, यहाँ पर स्टॉक वगैरह ही लिखा सकता है, रिवैल्यूएशन में कभी बैंक नहीं जाता। स्टॉक क्यों लिखाया है 200, तो इसलिए लिखा होगा क्योंकि
डेबिट में अगर स्टॉक लिखा, इसका मतलब कि स्टॉक का वैल्यू क्या है, घटा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अगर आप रिवैल्यूएशन का जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ जाए तो इन सब चीजों पर ध्यान देना है। एक चीज और है, कभी कभी आपको अनरिकॉर्डेड शब्द अकाउंट्स में देखने को मिल जाएंगे। अनरिकॉर्डेड पढ़ने से पता चल रहा है दो शब्दों के मिलने से बना है, दैट इज अन एंड रिकॉर्डेड। दैट मीन्स दोज एसेट्स एंड लायबिलिटी द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट स्टिल रिकॉर्डेड। विभिन्न संपत्तियों और दायित्वों का वह मूल जिसको कि अभी तक खातों में रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो अनरिकॉर्डेड दो तरह के होते हैं, एक असेट्स होते हैं और एक लायबिलिटीज होते हैं। असेट्स आपके लिए फायदा है और लायबिलिटीज आपके लिए लॉस है। कैसे सर, हाउ? तो दोस्तों आप बताइए, अगर आप अपने घर में और आपको अचानक से पता चले कि आपके ग्रैंडफादर ने आपके लिए 1 लाख रुपया छोड़ कर गया है, 1 लाख रुपया के आप हकदार हैं, तो ये क्या है, रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड? तो ये रिकॉर्डेड है क्योंकि आपको मालूम नहीं था, आपको अचानक से मिला, और आपके लिए क्या है, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट है दोस्तों। तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट क्वेश्चन में आ जाए तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन के किधर जाएगा? आपको लॉजिक सिखाया था कि रिवैल्यूएशन में अगर दो चीज होते हैं, अगर आपको लॉस हो रहे हैं तो डेबिट और प्रॉफिट हो रहे हैं तो क्रेडिट, यानी ये अनरिकॉर्डेड एसेट किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। फिर अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है, मतलब आप ही थे, आपके फादर को पता चले कि आपके दादाजी ने 2 लाख का लोन लिया है, बैंक वाले अचानक से आए कह रहे हैं कि आपके ये आपके ऊपर इतना का लोन है, तो ये भी उनके लिए क्या था, अनरिकॉर्डेड। और ये क्या है, फायदा है कि घाटा है, प्रॉफिट है या लॉस? शायद प्रॉफिट हो आपके लिए, प्रॉफिट नहीं, ये क्या है आपके लिए, लॉस। हाँ लॉस है, नहीं तो लॉस है कि भाई इतना कर्ज अब हमको देना पड़ेगा। नहीं, जिनको लग रहा है प्रॉफिट है तो भाई उनके लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी आना चाहिए, ये हमारे लिए तो भाई लॉस है, और लॉस है तो इसके कहाँ डालेंगे, ये लॉस है तो ये हमारे लिए घाटा है, और घाटा है तो कहाँ डालेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। ये लॉस है तो कहाँ डालेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। खैर जो भी हो, अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे 29 का ए जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन से संबंधित जर्नल एंट्री। ये आप वीडियो रिवाइंड कर करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो खुद से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 29 का ये देखिए क्या कहता है। जर्नल एंट्री बनाने से पहले मैं बता दूं, बस आप ये ध्यान दीजिए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर आपको तो मालूम है प्रॉफिट हुआ या लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट और लॉस हुआ तो क्रेडिट। क्या क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन, है ना? प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट, और लॉस प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, सॉरी, और लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट। नहीं, मैं उल्टा लिख रहा हूं इसलिए। और रिवैल्यूएशन दो चीज होता है, चाहे तो प्रॉफिट चाहे तो लॉस, लॉस होगा तो डेबिट और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। क्या डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन, ये नहीं कि जो एसेट या लायबिलिटीज है वो। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का ए, आप भी देख ले मेरी नजरों से, है ना, सॉन्ग एक है नहीं, मेरी नजरों से तेरे, अच्छा बात है, चलिए याद आ गया। देखेंगे 29, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एक्स और वाई साझेदार है, जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, जेड कितने के लिए एडमिट हुआ, 1/4 शेयर के लिए, एंड मेक एंट्री जर्नल एंट्री पास कीजिए। देखिए फर्स्ट में कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 10,000 रुपीज, आप बताइए दोस्तों, अगर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आ जाए, है ना, आपको अचानक से पता चले कि आपके पूर्वजों ने इतना रुपए का इन्वेस्टमेंट करके गया था, आपके लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस? जाहिर सी बात है दोस्त, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या क्रेडिट करना है, रिवैल्यूएशन, जर्नल एंट्री बोल रहा था, रिवैल्यूएशन क्रेडिट करेंगे सर, टू रिवैल्यूएशन। तो डेबिट क्या करेंगे सर, जो बचा हुआ है, जो बचेगा ना वही, तो डेबिट क्या करना है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट डेबिट कर देंगे मेरे को, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR और टू रिवैल्यूएशन। कितना पैसा था, पैसा था 10,000, बस बन गया, नारेशन लिख देंगे, बीइंग द वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, बीइंग द वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट
नाउ रिकॉर्डेड या सिर्फ रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। देखें कितना इजी है, बस ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जिनको नहीं समझ आया वीडियो रिवाइंड कर करके देखेंगे, है ना, यूट्यूब पे साइड में डबल क्लिक करने से वो होता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, फिर देखिए मेरी नजरों से, है ना। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 3000, नहीं लीजिए। अब आपको पता चला कि आपको 3000 रुपया किसी को देने हैं, फर्म को देने हैं, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्रेडिटर आ गया। तो क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी, और कर्ज अगर आ जाए तो आपके लिए क्या है, लॉस, लॉस एट रिवैल्यूएशन डेबिट, है ना। तो करेंगे कितने को क्रेडिटर डेबिट कर देंगे, गलत है क्या, लॉस होगा या लॉस होगा तो क्या डेबिट, रिवैल्यूएशन, और जो बचा क्या बचा, क्रेडिटर टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, यही है जर्नल एंट्री करने का रूल, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितना था दोस्तों, ये था कितना 3000। इसका भी वही लिख देंगे, बींग द वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर नाउ रिकॉर्डेड, बींग द वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर नाउ रिकॉर्डेड। नेक्स्ट देखिए थर्ड, थर्ड में कहता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, लो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन। तो सर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा, बिल्डिंग, है ना। तो यहां करेंगे बिल्डिंग अकाउंट डियर टू रिवैल्यूएशन कितना दाम बढ़ गया है, 12000, 12000 नारेशन वही है ना, बिंग द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज। नेक्स्ट फोर में क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन ऑन द फर्नीचर 1000, लो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन आ गया तो क्या है, लॉस, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, तो रिवैल्यूएशन डेबिट तो फर्नीचर क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर कितना, 1000, बिंग द वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिक्रीज। अब देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया, अब ये तो था बुक, इतना आपका जो है ये किस चीज का है, बुक का, इसमें आपको मेहनत नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में आपको करना है क्या, करना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है। कैसे निकलेगा सर, देखेंगे हम लोग टोटल डेबिट कितना हुआ। देखिए तो रिवैल्यूएशन 3000 और यहाँ रिवैल्यूएशन 1000, टोटल कितना डेबिट हुआ रिवैल्यूएशन, 3 और 1 4000, और रिवैल्यूएशन का डेबिट क्या बताता है, लॉस, यानी 4000 बिजनेस को क्या हुआ, लॉस हुआ, जबकि फायदा कितना हुआ, यानी क्रेडिट वाले बॉक्स बना देता हूं मैं, 10000, फिर रिवैल्यूएशन यहां 12000, 12 और 10 22, है ना, 22000 प्रॉफिट कितना हुआ, 22000 क्रेडिट कितना हुआ, 22000। ये रैप में करने हैं, अब आप बताइए 22000 प्रॉफिट है, 4000 लॉस है, 4000 लॉस मेकअप कर देगा तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 18000, प्रॉफिट कितना बचेगा दोस्तों, 18000। और प्रॉफिट बांटने के लिए उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, प्रॉफिट जब भी बटेगा ना तो जर्नल एंट्री उल्टा करेंगे, याद रखना प्रॉफिट या लॉस के टाइम जर्नल एंट्री उल्टा करेंगे। मतलब सर हम बोले थे ना कि अगर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब प्रॉफिट बांटो तो प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या होना चाहिए, मेरे अनुसार कहोगे कि सर आपने बताया था प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन बताएं थे क्रेडिट, लेकिन अपोजिट होगा, क्या करेंगे, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स के बीच बांटना है, ओल्ड पार्टनर के बीच, ओल्ड रेशियो में कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई, टू एक्स टू वाई। अच्छा कितने को कह रहे हैं सर, आप ही बोलते हैं ये दिस दैट, ये किस कैसे, कभी बोलते हैं बांटना, कभी बोलते हैं नहीं बांटना, है ना। तो वो जर्नल एंट्री है ना, वो बांटना वाला नहीं, मतलब कि कभी आप बोलते हैं जर्नल एंट्री इस तरह होगा, वो जर्नल एंट्री आपको याद करना है, प्रॉपर बुक में देखें, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बुक में आपको देखना ही पड़ेगा, याद कीजिए, और नहीं तो फिर हमारे लॉजिक से चलिए। तो ये प्रॉफिट आया था मेरा 18000, इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो देखिए कितना है, ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली बांटेंगे 18000 को दो भाग में, 9000 9000,
है ना, रेशियो नहीं दिया हुआ है तो बराबर बांटेंगे। नारेशन लिख देंगे बींग द अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, है ना। इसी तरह से आपका 29 का एक जो है समाप्त हुआ, 29 का भी इसी तरह से बना लेंगे, 30 का भी आपका अकाउंट है जिस तरह से 30 का ए बताया गया है उसी तरह से 30 का बी भी कंप्लीट कर देंगे। सभी का आंसर शीट आपको जो है आपके ग्रुप पे भेज दिया जाएगा और आप अपना स्टडी इसी तरह से जारी रखें। थैंक यू।